हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल AUTOGEARINDIA। तो आज हम टाटा 15-12 CRX का रिव्यू करेंगे। दोस्तों ये टाटा की ICV है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, इसकी प्राइस बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और इसकी माइलेज बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको भी मेरी तरह ट्रक पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक किए बगैर मत जाना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना, ताकि जब कभी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ट्रक के बारे में और जानना है तो आप हमें AUTOGEARINDIA के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको ट्रक्स के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके कैबिन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैबिन के अंदर काफी स्पेस है, डोर पॉकेट्स में आप आराम से बोतल रख सकते हैं। ये इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको स्पीकर के वेंट्स प्लस ब्लोअर का वेंट मिलेगा, और जो क्वालिटी है ब्लोअर के वेंट्स की वो भी काफी अच्छी है। जो ब्लोअर है उसकी स्पीड को आप यहां से वेरी कर सकते हैं, कम ज्यादा यहां से हो जाती है। और जो ब्लोअर की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, एयर फ्लो है वो काफी अच्छा है ब्लोअर का, और जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाटा ने डैशबोर्ड प्रोवाइड किया है वो पूरा हार्ड प्लास्टिक से किया है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी यूज की है वो बहुत ही अच्छी की है। ये गियर लीवर, 5-speed ट्रांसमिशन मिलता है, और जो गियर लीवर है वो भी बिल्कुल SUV टाइप दिया है यहाँ पे, जो SUVs के अंदर आता है। ये हैंड ब्रेक लीवर है इसका, ये स्टेयरिंग व्हील टाटा के लोगों के साथ आती है, सिंपल स्टेयरिंग व्हील मिलेगी पावर स्टेयरिंग के साथ, एडजस्ट नहीं कर सकते आप इसको। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको स्पीडोमीटर RPM मीटर मिलता है, और ये ABS का स्विच, स्विचेस की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। उसके बाद ये ड्राइवर सीट दे सकते हैं, ड्राइवर सीट की कुशनिंग भी काफी अच्छी है, यहाँ पे ड्राइवर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लॉन्ग रूट्स पे। और यहाँ पे टाटा ने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई मटेरियल नहीं लगाया। ये इसके लाइट के स्विचेस, और जो कैबिन में मटेरियल यूज किया है टाटा ने वो बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज किया है टाटा ने। यहाँ पे सिंपल लाइट मिलती है आपको, टाटा ने LED लाइट नहीं दी यहाँ पे। ओवरऑल जो कैबिन के अंदर स्पेस है वो भी काफी ज्यादा स्पेस है, और ये टिल्टेबल कैबिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैबिन बहुत ही इजिली लिफ्ट कर सकते हैं आप, इस मैकेनिज्म के थ्रू आप इसका कैबिन लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कैबिन को लिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये टाटा ने बहुत ही अच्छी चीज यहां पे प्रोवाइड की है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस और इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको टाटा का 497 TCIC CRDI इंजन मिलेगा, जो EGR टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। इसके अंदर आपको 3783 cc का इंजन मिलेगा, 4-cylinder इंजन, जो मैक्सिमम 123 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 400 Nm टॉर्क देता है। इसके अंदर आपको जो क्लच मिलते हैं वो बहुत ही अच्छी क्लच मिलते हैं, 330 mm डाई की क्लच मिलती है, जो कि बूस्टर असिस्टेंट के साथ आती है। और जो ट्रांसमिशन मिलता है वो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, 5 forward और 1 reverse। जो इसके अंदर आपको गेयरबॉक्स मिलता है दोस्तों, वो GBS 40 गेयरबॉक्स मिलेगा। और जो ओवरऑल जो क्वालिटी है ट्रक की वो काफी अच्छी है। जो इसके अंदर टॉर्क मिलता है वो बहुत ही अच्छा टॉर्क मिलता है, और जो इसकी पावर है वो बहुत ही अच्छी है ट्रक की। टाटा ने कैबिन में हीट ना पहुंचे इसलिए इंसुलेशन के लिए मटेरियल भी यूज किया है ऊपर। अब इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है वो 160 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और जो फ्यूल टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे टाटा ने मटेरियल लगाए हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्यूल टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है, और फ्यूल टैंक है वो बहुत ही अच्छी जगह प्लेस किया है टाटा ने। अब इसके टायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 9R20 16PR के रेडियल टायर्स मिलेंगे, 6+1 टायर मिलेंगे यहाँ पे, और टायर साइज है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड किया है, MRF के टायर्स मिलते हैं इसके अंदर आपको। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो भी बहुत ही अच्छी जगह प्लेस किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ड्राइवर को। अब इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपको 2 loading span में मिलेगा, एक तो 19.25 feet और एक मिलेगा 22 feet।
और जो लोड बोर्डिंग ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर आपको वो FSD और HSD मिलेंगे, और जो इसका व्हील बेस है वो 4200 mm है, और जो दूसरा है वो 4830 mm है, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 245 mm है, और जो इसकी ओवरऑल लेंथ है वो 8100 mm है, और जो इसकी ओवरऑल हाइट है वो 3200 mm है। तो इन बॉडी ऑप्शंस के अंदर ये आपको मिलेगा। अब दोस्तों इसके सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसके एक्सल के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट में एक्सल मिलता है वो फोर्स आई बीम रिवर्स इलियोट टाइप मिलता है, और जो फ्रंट में सस्पेंशन मिलेगा सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्प्शन मिलेगा, यहां पे देख सकते हैं। और अब इसके रियर एक्सल और रियर सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रियर में आपको जो एक्सल मिलता है वो फुली फ्लोटिंग RA108R, और जो सस्पेंशन मिलता है वो आपको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका एक्सल और ये इसका सस्पेंशन। मैं आपको एक बार इसका क्लियर व्यू दे देता हूं, इसके यहां पे आप देख सकते हैं, और यहां पे कंपनी ने आपको बैटरी गटर स्विच भी प्रोवाइड किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों अब इसके प्राइस के बारे में बता देता हूं। तो जिसकी प्राइस है वो अप्रोक्स 16.5 लाख के समथिंग है, 16-16.5 लाख के समथिंग एक्स शोरूम बता रहा हूं, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है, तो ये एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूं मैं आपको। आप नियरेस्ट जो डीलर है उससे आप कंफर्म कर सकते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस, और जो इसकी माइलेज है वो भी बहुत ही अच्छी माइलेज है, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं नीचे आपको डिटेल्स में इसकी माइलेज डाल दूंगा कि इसकी माइलेज कितनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी डाल दूंगा। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।